आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। लगता है कि सुनील ग्रोवर के साथ हुई लड़ाई और फिर उनके शो छोड़कर चले जाने का कपिल शर्मा को जरा सा भी दुख नहीं है। तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं और सुनील ग्रोवर के बारे में अभी भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक कपिल इन दिनों अपनी फिल्म फिरंगी की शूटिंग में बिजी हैं और शूट के दौरान वो लोगों से ये कहते नजर आए कि सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर उनके शो पर जरूर लौटेंगे क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है। हालांकि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर जोरों पर चल रही है कि अपनी फिल्म के सेट पर कपिल सुनील के बारे में अभी भी अच्छा नहीं बोल रहे हैं। कपिल इन दिनों बीकानेर में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और यहाँ वो रोजाना देर रात तक पार्टी करते हैं। हाल ही में उन्हें अपनी को स्टार मोनिका गिल के साथ बिंदास होकर डांस और पार्टी करते देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के मेकर्स ने इस पार्टी पर करीब 75,000 रुपए खर्च किए और लोकल सिंगर्स को भी बुलाया। कपिल सारी रात मोनिका गिल और उन सिंगर्स के साथ नाचते और पार्टी करते रहे। कहा जा रहा है कि कपिल शूट खत्म होने के बाद अक्सर ऐसी पार्टी कर रहे हैं और सुनील ग्रोवर के बारे में लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कपिल की इस हरकत पर सुनील ग्रोवर क्या कहेंगे। लड़ाई के बाद से अभी तक सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर ने कपिल शर्मा के शो के लिए शूट नहीं किया है। वहीं खबर ये भी है कि सुनील ग्रोवर यानी कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी अभी अपने लाइव शोज पे फोकस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।